हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आज जो ये नई रिक्वायरमेंट आई हुई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में आई हुई है। जो है पोस्ट नेम है वो इसमें मैनेजमेंट प्रोफेशनल के सभी पोस्ट है। जो इसमें वैकेंसी है पोस्ट की वो 337 पोस्ट है टोटल। जो इसमें पोस्ट है टोटल 6 प्रकार की पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप हेड की है, इसमें आपको सभी के सभी मिल जाएगी। साइलेंट सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, इसमें 43 पोस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है यहाँ पर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर में आई हुई है, 223 पोस्ट है। जो इसमें एज लिमिट मांगी गई है वो 20 ईयर से 50 ईयर, यानी कम से कम 20 ईयर और मैक्सिमम 50 ईयर होनी चाहिए। जो एज की गणना की जाएगी 12 दिसंबर 2017 तक की जाएगी, यानी कि 12 दिसंबर को आपकी एज 20 से न तो कम हो ना 50 से ज़्यादा हो। अलग अलग पोस्ट के वो अलग अलग है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट है तो ये स्टार्ट हो चुका है 22/11/2017 से स्टार्ट हो चुका है। जो इसकी लास्ट डेट सबमिट करने की 12 दिसंबर 2017 इसकी लास्ट डेट रहेगी। जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया रहेगी और ऑल इंडिया से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर इंडिया में कहीं से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है वो टू ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए, यह उसके समकक्ष चल जाएगा। जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटर्न एग्जाम और ग्रुप डिस्कशन रहेगा दो स्टेजेस में। जो उसकी एप्लीकेशन फीस है वो SC ST PWD के लिए 100 रुपये है, अदर के लिए जनरल OBC के लिए 600 रुपये रहेगी। हाउ टू अप्लाई, आप इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको 22 नवंबर 2017 से लेकर 12 दिसंबर 2017 के बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वेब पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इस पर आ सकते हैं। आने के बाद आपको इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी PFD फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप उसको रीड कर सकते हैं, इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी कि इसमें कितनी एज मांगी गई, अलग अलग के लिए अलग अलग है, आपको यहाँ पर सभी देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो रिक्वायरमेंट का फॉर्म है वो आ जाएगा। अब आपको ये फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो देना है, सिग्नेचर देने हैं, आपको सभी के फ़ोटो देने होंगे इसमें, और इसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा या एग्री करने के बाद। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम पर डे इस चैनल पर 2 या 3 वीडियो अपलोड करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।